आर्टिकल 172 बी, पहले जो गैस और तेल चाहे समंदर में निकलता था या जमीन पे, वो फेडरल गवर्नमेंट का था। अब इसमें 50% बलूचिस्तान का है, 50% फेडरल गवर्नमेंट का है। ये माइंस, मिनरल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये 18वीं तरमीम से पहले सूबों के थे। हमने अपने हाथ खुद बांध के उनके हवाले किए, तो इस मरज का कोई इलाज ही नहीं है। ये माइंस, मिनरल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये 18वीं तरमीम से पहले सूबों के थे। ये हम इसको जो है ना, ये 18वीं तरमीम में जो हमें फायदा हुआ वो गैस और तेल का था। कि अगर आप इसको आस्ता आस्ता सोलराइजेशन पे ले जाएं, कोई ऐसी प्रोजेक्ट हो जो फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालें, अदरवाइज जमींदार जो ये 12,000 रुपये देता है ना, अगर आप उनकी जो है ना पानी की मकदार दे दें, मैं कहता हूँ ये 12,000 भी वापडा को हम वैसे ही दे रहे हैं, बिजली तो नहीं है, क्योंकि इसमें हम सब इफेक्टिव हैं। ये सब चीजें आज हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग की, संदक की, पीपीएल की, फलाने की, ये 18वीं तरमीम से पहले आपकी मिल्कियत थी। हमने अपने हाथ खुद बांध के उनके हवाले किए, तो इस मरज का कोई इलाज ही नहीं है। आर्टिकल 172 बी, पहले जो गैस और तेल चाहे समंदर में निकलता था या जमीन पे, वो फेडरल गवर्नमेंट का था। अब इसमें 50% बलूचिस्तान का है, 50% फेडरल गवर्नमेंट का है। दूसरी बात, मैं सर आपसे तजवीज कि ये जो बिजली का 30,000 जो है ना, यहाँ लीगल ट्यूबवेल्स हैं जिनको जो है ना मैचिंग ग्रांट मिलता है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और 12,000 रुपये जमींदार दे, तो मेरे जाती राय ये है कि अगर आप इसको आस्ता आस्ता सोलराइजेशन पे ले जाएं, कोई ऐसी प्रोजेक्ट हो जो फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालें, अदरवाइज जमींदार जो ये 12,000 रुपये देता है ना, अगर आप उनकी जो है ना पानी की मकदार दे दें, मैं कहता हूँ ये 12,000 भी वापडा को हम वैसे ही दे रहे हैं, बिजली तो नहीं है, क्योंकि इसमें हम सब इफेक्टिव हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को जब तक हम सही मानों में प्लानिंग के साथ आगे नहीं ले जाएंगे, उसमें हमारे लिए मुश्किलात कम नहीं होंगे। और मैं, अगर आज एजुकेशन वहाँ गया है, हेल्थ गया है, वो इंक्रोचमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी आईनी हैसियत ही नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर वहाँ पे उन लोगों ने एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के जो है ना डिपार्टमेंट बनाए, उन लोगों ने आइन के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने खुलाड़ किया है। मैं जस्ट ये इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि ये 18वीं तरमीम से पहले बलूचिस्तान की मिल्कियत थी।